त्रिपुरा में कई सारे म्यूजियम्स हैं और इन म्यूजियम में से मैं पहुंची एक म्यूजियम पर, हवेली म्यूजियम। त्रिपुरा डायरीज सीरीज में ये मेरा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हवेली म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगी और साथ में वहां पर कैसे पहुंचेंगे, कब जा पाएंगे, इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये म्यूजियम ओल्ड अगरतला के दर्शनीय स्थानों में से एक है। अगरतला शिलांग रोड पर खैरपुर के पास ये म्यूजियम स्थित है और बिल्कुल 14 गॉड्स टेम्पल के ऑपोजिट में। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत में खड़े हैं। सुबह 11:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक ये म्यूजियम खुली रहती है, लेकिन गवर्नमेंट हॉलीडेज के दिन ये बंद रहती है, तो जाने से पहले ध्यान से इस बात का ध्यान रखिएगा। म्यूजियम देखने के चक्कर में एंट्री फीस कितनी थी वो मुझे पक्का तो याद नहीं, लेकिन शायद वो 10 से 20 रुपए तक ही थी। तो उसके बदले में जितना कुछ भी मुझे देखने को मिला तो वो तो खैर आप लोग खुद ही देख पाएंगे। 2012 में पब्लिक के सामने खुला गया है ये म्यूजियम को, और यहाँ पे जो भी आते हैं उनको प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, शिलालेख, ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें अगरतला और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले मानव निवास का वर्णन भी करती है। म्यूजियम में बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें ना बोल के उनको चित्र बोल सकते हैं, कि उन चित्रों में आमतौर पर इतिहास, स्थानीय नृत्य रूप, रीति रिवाज और परंपराएं, कर्मकांड, प्रथाएं आदि शामिल है। म्यूजियम परिसर में विभिन्न प्रकार के मॉडल्स यानी कि पुतले बने हुए हैं जो कि संस्कृति और परंपराओं पर प्रकाश डालती है। माँ दुर्गा और माँ काली की मूर्ति को छोड़कर भी वहाँ पे कुछ पुतले ऐसे भी है जो बंगाली कल्चर को भी दर्शाते हैं। मुझे तो सबसे सुंदर ये चीजें लगी। इतने साधारण से चीजों से उनमें कलर करने के बाद इतना सुंदर सा इंटीरियर कर सकते हैं, ये तो मेरे सोच के बाहर ही है। मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर के किसी भी कोने को अगर आप इस सामानों से सजाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये, लेकिन बिल्कुल मेरा ही मानना है। अब आगे आप लोगों की अपनी अपनी मर्जी।
म्यूजियम का पूरा टूर लगभग खत्म होने को है और अब यहाँ से निकल के मैं जाऊंगी 14 गॉड्स टेम्पल, चतुर्दश देवता टेम्पल, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट में ही है, और उस टेम्पल का पूरा वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।